हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले भारत के ऋषि मुनियों के वंशों में मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया। आज से करीबन 5000 वर्ष पूर्व उस ज्ञान को एकीकृत करके उसका लेखन किया गया। आयुर्वेद पर लिखे गए सबसे पुरातन ग्रंथ चरक संहिता, शुश्रुत संहिता और अष्टांग अध्याय है। ये ग्रंथ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो हमारे व्यक्तिगत तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आयुर्वेद के कुछ बहुत ही पुरातन ग्रंथों को आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं, तो जो उनका असल स्वरूप था वो आज नहीं है, उसमें काट झांट कर दी गई है। तो आइए आपके रूबरू करवाते हैं आयुर्वेद के कुछ बहुत ही पुरातन ग्रंथ। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद के एक महान पुरातन ग्रंथ मेघ विनोद सटीक का, जो पंजाबी भाषा में है। इसे पंजाब के अमृतसर में स्थित पब्लिशर भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह द्वारा सन 1950 के आसपास 2 भागों में छापा गया था। आयुर्वेद के इस महान ग्रंथ के रचनाकार हैं श्री मुनि मेघराज जी और इसके टीकाकार हैं श्रीमान महंत गणेशा सिंह जी। इस ग्रंथ को श्री मुनि मेघराज जी ने पंजाब के फगवाड़ा शहर में आज से करीबन 200 साल पहले गुरमुखी भाषा में रचा गया था। इसमें 5005 दोहरे छंद और 1351 श्लोक हैं। इसमें शगुन, अपशगुन, नाड़ी, मूत्र परीक्षा और 2873 प्रयोग यानी नुस्खे दिए गए हैं। वैदिक विषय की कोई भी ऐसी बात नहीं जो इस ग्रंथ में ना लिखी गई हो। इस ग्रंथ में जगह जगह आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के नाम, रोगों के निदान और ऐसे ऐसे टूने टोटके हैं जो संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों में भी कठिनता से मिलते हैं। इस ग्रंथ के पास होने पर अन्य ग्रंथों की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद के एक और बहुत ही दुर्लभ पुरातन ग्रंथ तिब दारुल शफा का, जो पंजाबी भाषा में है। इसे पंजाब के अमृतसर में स्थित पब्लिशर भाई सुखा सिंह एंड सन्स द्वारा सन 1952 में छापा गया था। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस ग्रंथ पर इसके लेखक का नाम नहीं दिया गया। आजकल जो तिब दारुल शफा के नाम से जो ग्रंथ मार्केट में मिलता है, उसमें इसके लेखक का नाम वैद मुआहन सिंह दिया गया है, जो कि सही प्रतीत नहीं होता। ये ग्रंथ पढ़ने पर यूं महसूस होता है कि ग्रंथ किसी बहुत ही प्राचीन फारसी या उर्दू ग्रंथ का तर्जमा है। इस ग्रंथ में सिर से पांव तक हर एक रोग के लक्षण, कारण, पहचान और हर रोग का आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज बहुत ही विस्तार से दिया गया है। सुविधा से मिलने वाली जड़ी बूटियां और देसी औषधियों के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। इस ग्रंथ में योगों को अत्यंत सुगम और सरल भाषा में लिखा गया है। उनकी निर्माण विधि, उपयोग तथा मात्रा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे वैद्यों को इनको बनाने तथा प्रयोग करने में कोई कठिनाई ना हो। इस अमूल्य दुर्लभ ग्रंथ की खासियत यह भी है कि शरीर के सारे रोगों के अलावा हल्के हुए कुत्ते और गीदड़ काटे का भी इलाज इसमें दिया गया है। इसके अलावा इसमें सांप, बिच्छू, डेमू आदि के काटे के इलाज के साथ साथ अफीम, धतूरा और जहर खाए के इलाज भी
बहुत विस्तार से दिया गया है। निसंदेह यह आयुर्वेद का एक बहुत ही महान ग्रंथ है जो आज बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसकी जो नई कापियां मार्केट में उपलब्ध हैं, वो इस पुरातन ग्रंथ से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाती। अब जिक्र होगा यूनानी चिकित्सा के एक नया दुर्लभ ग्रंथ यूनानी चिकित्सा सागर का, जो हिंदी भाषा में है। इसे उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस के पुस्तक प्रकाशक मोतीलाल बनारसी दास द्वारा 1950 में छापा गया था। यूनानी पद्धति के इस नयाब ग्रंथ के रचनाकार हैं हकीम मनसाराम शुक्लजा, जो आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज दिल्ली के वाइस प्रिंसिपल थे। इस ग्रंथ में विचित्र और प्राचीन योगों के साथ साथ हकीमों के वंश परंपरा प्राप्त गुप्त और प्रभावशाली योगों का संग्रह किया गया है। इसके अलावा इसमें दिल्ली के बड़े बड़े औषधालयों के गुप्त योगों का संग्रह करके अत्यंत सुगम और सरल भाषा में लिखा गया है। इसमें यूनानी औषधियों के नाम आयुर्वेद के निघटों के अनुसार ही दिए गए हैं, परंतु जो नाम उपलब्ध ना हो सके उन्हें वैसे ही रहने दिया गया है। पुस्तक के अंत में व्यवहारिक सुविधा के लिए करीब 250 औषधियों का वर्णन यूनानी औषधि पर्चे के रूप में दिया गया है। निसंदेह यह ग्रंथ यूनानी पद्धति के चिकित्सकों के लिए गागर में सागर के समान है। और अब इस एपिसोड के आखिर में आपके रूबरू प्रस्तुत कर रहे हैं यूनान चिकित्सा का एक दुर्लभ ग्रंथ इलाज उल गुरबा भाषा। मूल रूप में यह ग्रंथ फारसी भाषा में है, जिसको हकीम असगर अली साहब ने उर्दू में अनुवादित किया। बाद में स्वर्गीय कश्मीरी पंडित प्यारे लाल शर्मा रुग्गू जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया और इसका नाम दीन जन चिकित्सा रखा। इसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित तेज कुमार बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड और नवल किशोर बुक डिपो लखनऊ द्वारा तेज कुमार प्रेस प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में छापा गया। जो इलाज सैकड़ों खर्च करने में होता है, वह इस पुस्तक के माध्यम से थोड़े में हो जाता है। इसमें बीमारियों की पहचान और उनके निदान इस तरह लिखे गए हैं कि जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो वह समझ सकता है और दूसरे की दवा कर सकता है। इस पुस्तक के अंत में सब प्रकार के तोलों के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जिससे पाठकों को किसी प्रकार का भ्रम ना पड़े। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। भगवान धन्वंतरी जी आपको सदा स्वस्थ रखें।